हाइट कितनी लग रही है ना? हाइट काफी लग रही है। और पूरी की पूरी गाड़ी की जो बॉडी है ना वो फाइबर से बनी हुई है, ठीक है ना, लोहा नहीं है। तो जी ये वो आइटम है जिसके लिए मैं स्पेशली आया था जम्मू से। अच्छा अभी आ चुके हैं वापस और सबसे एक मेन चीज जो पाजी बता रहे हैं वो है इसकी डिफरेंशियल रेशो। तो अभी ये जो है डिफरेंशियल रेशो चेक करने के लिए जा रहे हैं नीचे। ये है डिफरेंशियल रेशो, ठीक है। तो कितनी करनी? ये 4111 है, 3.7 डिवाइड करके देख लेना। अच्छा, इस पे कभी ऑफ रोड नहीं करेगी ये गाड़ी। थार डीआई में भी ये रेशो होती है। अब ये बाइसन है ना, इसमें हमने रेशो डाल रखी है 5.88 थार सीआरडी में आती है 4310 4.3, तो मतलब कम से कम इसमें 4.3 या 4.56 तो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा इसको एक्सट्रीम बनाओ, बट आप स्टेप बाय स्टेप अगर रेशो करोगे ना, आपको रोड पे भी इसमें टॉर्क नहीं हो। जैसे भी रोड पे आपने सेकंड पे आए आप, एकदम से आपने उठानी है तो नहीं उठेगी, नहीं उठती है। लेकिन वो देखो कैसे उड़ती है गाड़ी, क्योंकि इंजन तो बहुत बात की बात है, वो तो हमारा एक्सट्रीम हो गया। पहले रेशो के साथ देखो आप, जैसे आप चढ़ा रहे थे आप कह रहे थे वहाँ मेरी रेस खत्म होगी, रेस नहीं, वो टॉर्क खत्म हुआ था ना रेशो के चक्कर में। तो ये आप देख सकते हैं लंबी लंबी जुल्फों वाले आदमी को। सादिक भाई क्या हाल चाल है? अरे ये मेरी जुल्फ बोलने पे ऐसे झटकाए क्या? आंखों में आ रहे थे। अच्छा तो भाई साहब हमारा जो बम्पर है ना, इसने हमें कर दिया है बहुत ज्यादा परेशान। तो अभी जो हमने नया मंगाया है वो कब आएगा लगेगा, तब तक हमारे टायर का जो है कांड हो जाएगा। बिकॉज ये जो टायर है ना ये इस पे बजता है जैसे, ये देखो यहाँ से कितना तीखा हो रखा है ना। तो ये टायर वायर अभी देखो जैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं, तो इससे पहले कि टायर बिल्कुल खत्म हो जाए खराब हो, हम जो है इसको यहाँ से काट देंगे। अब इसको काटना इस हिसाब से है कि बोलेरो की जो शेप है वो भी बनी रहे और हमारा जो है पर्पस भी हल हो जाए। बस उसी के लिए टेप वेप लगा रहे हैं, प्रॉपरली काटेंगे इसको जैसे भी है। और बाकी यहाँ के क्या सीन्स हैं वो आपको सारे चेक करवाते हैं हम। इस पर रिव्यू देखना है, दिखाते हैं आपको। गगन पाजी दिस इज डे टू। डे टू समझ गए आप? तो क्या क्या करने वाले हो अभी? तो आपको काट के दे रहे बम्पर, बम्पर काट के गाड़ी चला दो, ठीक है। तो फिलहाल हमने डिसाइड कर लिया है, एक फर्स्ट प्लान हमने डिसाइड कर लिया कि बोलेरो के साथ क्या करना है। अभी जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं कर रहे हैं, उसे शिफ्ट कर लिया है। तो बेसिकली दिल्ली आने का मेरा रीजन जो था वो पहले से ही डिसाइडेड था, बट पहले क्या है कि पाजी ने हमें एक और अच्छी चीज दिखाई, ठीक है ना। यही बोलता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जाओ, जो आप करने आए थे ना वो लास्ट स्टेप है जी। फास्ट मतलब पॉइंट से पहले इनसे लास्ट है, जो पहला स्टेप है वो मैंने आपको बताया बिल्कुल, और वो करने के बाद आप देखना परफॉर्मेंस। बेसिकली मैं आपको बता दूं तो मैंने जो है डिसाइड करा था कि मैं अपनी गाड़ी के जो पीछे है लॉकर डलवाऊंगा, डिफरेंशियल लॉक जो आता है, ठीक है, मैनुअल वाला। और जो है वो हमारा डिफरेंशियल लॉक पहुंच भी चुका है, बट क्या है कि जब उत्तराखंड में हमने गाड़ी परफॉर्म की और पाजी ने भी गाड़ी देखी, तो इन्होंने सजेस्ट किया, जैसे अभी बता दिया इन्होंने कि जो लॉकर है वो लास्ट का स्टेप है, तो पहले हमें इनिशियल स्टेप से चलना चाहिए। तो इनिशियल स्टेप बता दो क्या है? तो बेसिकली अब हम जो है अपनी गाड़ी की डिफरेंशियल रेशो चेंज करेंगे। हालांकि ये जो वर्ड है ये मैंने भी पहली बार ही सुना था पाजी के मुंह से, लेकिन अब ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें टेक्निकल चीज है, वो सारी हम होके दिखाएंगे। तो उसमें 3.73 है जो मैंने बताया, अब इसकी देखते हैं हम थोड़ा कितनी करेंगे, 4.56 या 4.88। मुझे लग रहा है 4.56 में बहुत अच्छी चलेगी। तो डिफरेंशियल लॉक भी आपको दिखाऊंगा, पहले तो ये कटिंग होगी सबसे पहले। तो चलो हो गया प्रोग्राम शुरू, तो चलो चलिए बोलेरो मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। दो मिनट के लिए अंदर गया था भाई ने, तो पूरा बम्पर छिल दिया। चलो कट गया, चोंच कट गई, ये दूसरी साइड का भी कट गया। अभी पीछे से जब निकालेंगे तो फिर दिखेगी कि लुक क्या निकल रही है। ओहो लग गई अंदर, कुछ भी बोलो आप। आजी का जो सेंसर, मैं क्या बोल रहे हैं, कह रहे ये जो लोहे के पीस है ना, क्या करना है इनको? गाड़ी में डाल दो, जम्मू चला जाए। क्या निशानी लेके जाएंगे, बम्पर दिल्ली में कटा था, जम्मू लेके जाना है इसको। ये इसको कर दिया है प्लेन। चलो तो ये बम्पर तो अभी गाड़ी का लुक दिखाएंगे, लेकिन जैसे ये गाड़ी है ना वही था, आज रिव्यू शूट करेंगे। देखिए तो ना हम्मर में बैठेगा भाई, बैठने क्यों नहीं होगा। तो जी ये मतलब लगाओ आप, ये गाड़ी जो है ये डीसी डिजाइन्स के द्वारा मॉडिफाई की गई है। तो डीसी डिजाइन्स का नाम तो आप सबने सुना होगा, जैसे हम भी जब छोटे थे ना, जब उधर गांव वाँव में होते थे, तो इनकी गाड़ियों के डिजाइन ना बहुत, जो हमारी सबकी वो बचपन में ड्रीम कार रही, कौन सी? पंजाबी मूवीज। अरे पंजाबी नहीं भाई, टार्जन दी वंडर कार में डीसी की गाड़ी थी वो।
टार्जन जिस कंपनी ने बनाई वो गाड़ी आज हम चलाने वाले हैं, उस कंपनी गाड़ी है ना। गाड़ी यहाँ से थोड़ा सा आगे भी चले जाते हैं, फिर आपको डिटेल में सारी चीजें दिखाता हूँ इस गाड़ी के बारे में। बेसिकली ये जो गाड़ी है ये प्लेटफॉर्म है थार CRD का, ठीक है। अभी क्या है कि गाड़ी बाहर ही लगी हुई थी, मीटर का आप ना कंसोल देख के समझ सकते हो ये थार CRD में आता है ऐसा। ये जो है बाहर ही लगी हुई है ना, इसलिए डस्ट वस्ट। अब मैंने देखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो पाजी ने कहा जाओ जाके ना एक वीडियो अगर आपको शूट करनी है इस पे तो कर लो। तो फिर मैंने कहा चलो यार खुद चला भी लेंगे, फील भी ले लेंगे, मतलब इस तरह की गाड़ी का भी कैसे जस्टिफाई करें मोहित इसको। ड्रोन भी ले लेंगे, ज्यादा हो जाए। हाइट कितनी लग रही है ना? हाइट काफी लग रही है और चलाने में भी बढ़िया है भाई साहब। जहाँ हम निकल रहे होंगे रोड पे लोग हमें क्या सोच रहे होंगे, बोल रहे होंगे कहाँ से आ गए भाई। और ये हमारे पीछे इमरान भाई बैठे। इमरान भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया। कौन सी लोकेशन पे ले चले हो? चल रहे हैं सैक्रासी में। सैक्रासी में चलो सुपर। तो जी फाइनली आ चुके हैं एक बढ़िया सी लोकेशन पे। तो मतलब अब गाड़ी देखो यहाँ से, एक्चुअली वहाँ पे शोर ज्यादा था ना तो उतना पता नहीं लग रहा था, पर क्या लग रही है। और मैं आपको सच बात बताऊँ, जब गाड़ी से चला कर आ रहे थे ना फील आ रही थी। और मतलब ये जो है प्लेटफॉर्म थार CRD वाला है, लेकिन ये गाड़ी चलाने में और डिजाइन वाइज कहीं से भी CRD या पुरानी थार नहीं लगती है। सबसे पहले जो चीज इसकी डिजाइन है वो तो बनाया हुआ है DC डिजाइन्स ने। तो जैसे आप देखो फ्रंट से ग्रिल का डिजाइन कुछ इस तरह से आ गया, बंपर का डिजाइन कुछ इस तरह से आ गया, लाइट्स जो है ये रेंगुलर स्टाइल लगी हुई है। और उसके बाद ये वाली देखो, ये लाइट इंडिकेटर का काम करती होंगी, कितनी बड़ी सी लगी है। यहाँ से अभी जला के दिखाता हूँ आपको एक बार, ये एज अ इंडिकेटर काम करेंगी। मतलब पूरा ही ये गाड़ी आपको कहीं से भी नहीं लगेगी कि भाई थार CRD है पूरा। जैसे ये देखो ये वाला डिजाइन, इसके फेंडर्स कस्टमाइज, बॉनेट जो है कस्टमाइज, और यहाँ देखो खोलने के लिए किस तरह से इसको इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिए हैं। मतलब बहुत ही डिटेल में हर एक चीज है। और पूरी की पूरी गाड़ी की जो बॉडी है ना वो फाइबर से बनी हुई है, ठीक है ना, लोहा नहीं है, फाइबर है सारा। जहाँ साइड पे आ जाते हैं तो ये देखो इस पे हमर लिखा हुआ है, ये साइड पे और चीजें अच्छी लग रही हैं। फुटस्टेप भी काफी डिफरेंट सा है, काफी अच्छा सा है, चढ़ने में हेल्प हो जाएगी। और अभी इस गाड़ी में जो कस्टमाइजेशन की गई है, ये गाड़ी जो है ना ये हार्ड टॉप थी, ठीक है, तो इसका हार्ड टॉप जो है वो काट दिया गया है क्योंकि इसको नया डिजाइन देना था। और ये जो रोल बार है ये आती है इसुजू की, ये पाजी ने लगाई है अभी। और उसके बाद पीछे का डिजाइन आप कुछ देख सकते हो, टायर जो है रडार के पुराने वाला जो पैटर्न आता था रडार का, जो अभी RT आया वो तो अभी आया, MT पैटर्न आता था रडार का, ये वही है। और बीड लॉक के साथ है, बीड लॉक लगे नहीं है पर शायद ये सिर्फ डिजाइन के लिए होगा। पीछे की साइड आ जाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो टेल लाइट का डिजाइन। बाकी ये जो बंपर है ये देखिए आप समझ गए, ये भी पाजी का कस्टमाइज किया हुआ है, यहाँ पे टायर आ जाएगा। ये तो आ गई लगभग ओवरऑल गाड़ी की साइड लुक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी में जो इसके सस्पेंशन पे काम किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप नीचे देखो, ठीक है, तो ये जो गाड़ी है लिफ्ट की गई है, इसकी स्ट्रेंथ आर्म्स लगी हुई है जो अपने ऋषभ भाई की गाड़ी में है ना, उसी तरह का जो लिफ्ट सिस्टम है इसमें ये है। ये जो है हर एक चीज को जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ करके किया गया है। प्लस थार में ये सस्पेंशन का काम हुआ है। जो पीछे वाली साइड है इसमें आपको पता है आते हैं लीफ स्प्रिंग्स, पटे आते हैं, तो यहाँ पे इसके पटे हटा के प्रॉपर कॉयल ओवर सेटअप है जो वो किया गया है, ठीक है। ये आप स्प्रिंग जॉकर देख रहे हो ना, तो थार CRD में इस तरह का सेटअप है। तो ये सारा का सारा जो है ये पाजी ने काम किया, बंपर भी आ गया, प्लस ऊपर की जो कटिंग वटिंग है। तो ये है जो इस गाड़ी के डिजाइन वाइज है, बड़ी अच्छी लगी मुझे, तो मुझे लगा चाहे आप लोगों को भी ये गाड़ी दिखानी चाहिए। और कैसी लग रही है आपको ये गाड़ी जरूर बताइएगा, इतनी कॉमन नहीं है इस तरह की गाड़ी पे वीडियोस आना और सारी चीजें। बाहर से तो हमने गाड़ी आपको दिखा दी, अब दिखाते हैं आपको गाड़ी अंदर से। तो एक तो क्या है कि रेड कलर में इंटीरियर इतना बढ़िया से हुआ हुआ है, तो ये चीज आ गई। बाकी डोर वोर जो है वो कटे हुए ही है सारे। DC डिजाइन की जो ब्रांडिंग है वो आपको सिर्फ यहीं पे मिल रही है, पहला लोगो आ गया। बाकी डिस्प्ले वगैरह भी चेंज की हुई है और वेंट्स वोट्स भी चेंज है। बाकी AC का सिस्टम तो वैसा ही है, ये नॉब भी चेंज की है, म्यूगन लिखा हुआ है इस पे। और जो ये वाली भी नॉब जो है चेंज की हुई है, काफी बढ़िया सी लग रही है। कंसोल ठीक है, बट ये है कि जो इसमें ये मेटल फिनिश वुडन फिनिश है ये दी गई है। ये देखो ये हैंडल यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया। और पीछे वाली सीट्स की बात करें तो पीछे वाली सीट्स भी आपको इस तरह से कुछ मिल जा रही है। बाकी ये यहाँ से हट जाएगा ताकि ये गाड़ी पूरी, जब आप इसमें कहीं बैठो चैठो तो आप इसमें खड़े होकर जो पूरा व्यू का जो मजा है वो ले सकते हो। तो एकदम बढ़िया सी चीज लगी यार, मतलब लकी वंस की हमको ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, क्यों भाई? बिल्कुल सही बात है। ये अब देखते हैं कि क्या इंजन में भी कुछ चेंज किया गया है। बॉनेट कहाँ रहता है इसका, खुल गया क्या? नहीं खुला, यही तो है इसका। चलो सीधा आप इंजन के ऊपर से कवरिंग देख के ही समझ सकते हो CRD वाला इंजन है। अंदर कुछ भी चेंज नहीं है, जो भी है वो सारा लुक्स में ही चेंज किया गया और सस्पेंशन में जो पाज ने किया है। चलिए जी अब चलेंगे यहाँ से वापस। बढ़िया गाड़ी है। तो देखो पब्लिक रिएक्शन तो है, मतलब ये गाड़ी है ही इतनी अल्टीमेट है। तो चलो चलिए लग जाएंगे वापस। चलाने में जो इस गाड़ी को फील आता है ना अल्टीमेट है वो। ये देखो और फ्री फ्लो एग्जॉस्ट भी है इसमें,
मजेदार चीज है मतलब। ये आ गए हैं फिर से अपनी बलेरो के पास। जब ये पीछे पूरी मुड़ेगी तो इसका वो आपको दिखाएंगे कि बम्पर अभी कैसा है। अभी तो ये ऐसे ही सिर्फ क्योंकि टायर पे बार बार बज रहा था ना, तो टायर मेरे को कटने का रिस्क लग रहा था, तो चलो ये छोटा कर दिया। अभी आपको वो भी दिखाते हैं जो लॉकर हमारा आ गया था। तो जी ये वो आइटम है जिसके लिए मैं स्पेशली आया था जम्मू से, इसके लिए आया था, बट अभी हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया, तो ये हमने मंगवा तो लिया ही था। तो जी फिलहाल ये रहा हमारा लॉकर, हमें पाजी एक्सप्लेन करेंगे। ये जो सारा सिस्टम है ये डिफरेंशियल के अंदर आता है ना, क्या क्या है? जैसे ये ओपन डिफ है, ये यहाँ से घुमा, अब देखो ये फ्रंट में जाएगा, हाँ। ये रियर में जाएगा क्योंकि लॉक नहीं है ना, हाँ। तो चार एंड प्लेनेट गियर बोलते हैं इन्हें। भी आपने देखा होगा ड्रिफ्ट कार्स में क्या करते हैं, इन्हीं को वेल्ड करते हैं जो परमानेंट लॉक करते हैं, बट उसका एक नुकसान है आप रोड पे नहीं चला सकते क्योंकि जब आप टर्न करते हो गाड़ी तो स्पीड में डिफरेंस होना चाहिए तभी तो कटेगी ना। इनर व्हील की स्पीड कम होनी चाहिए, आउटर की जो है ज्यादा होनी चाहिए। अब लॉकर क्या होता है, जब हम जैसे ट्रैक में जाते हैं जो व्हील अनलोड होता है वो स्लिप होना शुरू हो जाता है और जिसके बाद ट्रैक्शन है वो घूमता नहीं है, तो फिर उस केस में क्या करते हैं हम लॉक करते हैं। लॉक करेंगे ना तो जैसे ये चल रहा है ये भी फ्रंट में ही चलेगा, हाँ। सेम डायरेक्शन में। ओके ओके ओके। अब ये दिखाओ लॉक। ये है तो बेसिकली ये हमारा ओपन डिफ है, ओपन डिफरेंशियल कुछ इस तरह से होता है। और ये चीज मैं भी आज पहली बार देख रहा हूं, बोलेरो में भी यही है, हाँ। ये डेना 44 का, हर डेना 44 में ये है। ये 19 स्प्लाइन है क्योंकि आपका जो डिफरेंशियल है वो 19 स्प्लाइन है। ओके ओके। अब ये 19 में लैम्डा का लॉकर है। अब लॉकर ये पूरी असेंबली बंद है इसकी, ठीक है। अब ये दो पार्ट में, आप इधर से दिखाना बेटा एक बार, ये बोल्ट्स लगे हुए हैं, ये हम एक्चुअली आते हैं ऑयल थोड़ा लगा देते हैं इसमें, ये से दो इसमें पकड़ा हुआ। इसे ये है मैकेनिकल लॉकर आपके लिए जो लीवर ऑपरेटेड होगा, एक होता है एयर वाला, जो लीवर ऑपरेटेड है उसमें स्प्रिंग होते हैं ताकि ये पहले तो परमानेंट लॉक रहता है, ये लॉक पोजीशन है। अनलॉक के लिए फोर्क इसमें लगती है, कवर में से आती है, ये अंदर का पार्ट है आपको ये सिर्फ बार बार ये दिखेगा आप। अच्छा, ये ऐसे लगा, जब वायर प्रेस करोगे तो ये जब ऊपर आएगा ये अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, तो ये अनलॉक हो जाएगा, हाँ। जैसे ही मतलब आपने फ्री करी ये लॉक पोजीशन आ गई, okay. जब उसे आप खींचेंगे वायर को तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो बेसिकली लॉकर की फंक्शनैलिटी ये है। और ये जो इसका लीवर आ गया, ये लीवर आ जाएगा, हाँ। ये कवर है और ये पूरा रॉक रेटेड कवर है, लैम्डा का कवर है, डैमेज ना हो उस वजह से होता है ये। बेसिकली ये हमने अपनी गाड़ी के लिए मंगा तो रखा था, बट फिलहाल जो हम प्लान करने वाले हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। नहीं देखो ये वही है, स्टेप वाइज स्टेप बाय स्टेप है, पहले स्टेप वही है रेशो का, ये बात का, और ये लास्ट टूल होता है, हर बार ऐसे नहीं कि लगा के चल पड़े, हाँ। ये तोड़फोड़ भी बहुत मचाता है। बेसिकली ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है, ये हाँ। आपके एमएलडी की तरह नहीं है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, एमएलडी का क्या है, स्पीड डिफरेंस होगी टायर में तब एंगेज होगा, तो हाँ। वो तो क्या है आजकल के जो नए लड़के है थार वगैरह में एक्सेलेटर दिया जहाँ पे चाहिए अपने, उनको पता नहीं चलता, वो सोचते हैं कि हमने चढ़ा दी गाड़ी। ये क्या है, जीरो की स्पीड से आपने लॉक किया, आपको पता होना चाहिए कि लॉकर कहाँ चाहिए आपको, वहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है ठीक है, तो काफी टेक्निकल सी चीज है। तो चलिए मैंने कहा एक बार ये भी आपको दिखा देते हैं जो भी अब प्लान आगे का वो। चलो जी, दिल्ली के ट्रैफिक जाम में मेरे सब भाइयों का मेरे साथ स्वागत है। टाइमिंग थोड़ा सा गलत हो गया, नहीं तो इतने जाम में नहीं फंसते, पर चलो कोई बात नहीं। मतलब 7 किलोमीटर को 20 मिनट दिखा रहा है, ये क्रैश हो गया। चल पहुंच गए हैं आज के लिए लोकेशन पे वापस, अभी देखते हैं यहाँ के बाद क्या प्लान रहने वाला है। बट मतलब 10 किलोमीटर का रास्ता था, आधा घंटा लगा, बहुत गर्मी है यहाँ। चलो कोई नहीं, गाड़ी लगा दिए। गर्मी इतनी हो गई ना, ब्लॉग भी नहीं कर पाता है आदमी ना, ऐसे गर्मी से आवाजें चिंकी निकल जाती हैं। चलो कोई बात। This is day 2. तो day 2 में आप देख रहे हो गाड़ी के पास हम आ गए हैं। तो बेसिकली कल के दिन में क्या है कि कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन वगैरह चल रही थी, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि आज हम जो गाड़ी है वो छोड़ देंगे, क्योंकि गगनबाजी ने बताया था कि सामान जो काम है वो हमारा ईद के बाद शुरू होगा। लेकिन हम 2 दिन दिल्ली में अब क्या करेंगे, कुछ और प्लान भी समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कुछ काम भी है जम्मू में, तो मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट से निकलते हैं जम्मू के लिए और गाड़ी वहाँ छोड़ जाते हैं और वापस आते हैं। जब से भी 1-2 दिन इसमें काम में भी लगने हैं, तो जस्ट टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज 2 दिन यहाँ रुके रहेंगे तो 2 दिन में कोई काम कर लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी गाड़ी छोड़ने से पहले ये कंबल वंबल पड़े हुए हैं, ये निकाल लेते हैं, सामान सामान यहाँ रख लेते हैं और गाड़ी छोड़ कर आते हैं। चलिए जी निकल गए हैं, जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से एमएमजी की लोकेशन जो है वो है, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा था तो मैं बता रहा था जहाँ हम रुके हैं वहाँ से एमएमजी की लोकेशन जो है वो 25 मिनट दिखा रही है हमें, और 13 किलोमीटर है 25 मिनट। तो चलो ठीक है, फटाफट से निकलते हैं गाड़ी वहाँ छोड़ के, और फिर हमें जम्मू वापस भी निकलना है। टाइम जो है 5 बज गए हैं, थोड़ा सा हेक्टिक जैसे ही है सिस्टम, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। सो जी क्या है कि कल तो बड़ा ऐसे ना अजीब सा लग रहा था कि भाई दिल्ली में गाड़ी है वो, बट आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दिल्ली के ही वासी है। नहीं, आदत सी पड़ गई है। अभी तो क्या है हमारी गाड़ी में एसी नहीं है, बस एक ही चीज की दिक्कत है, जो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है वो भी तब होती है जब आप कहीं बाहर जा रहे हो। जैसे हमारी गाड़ी में अगर एसी चल रहा हो प्रॉपरली तो हमें कोई गर्मी का भी उतना असर नहीं पड़ेगा। जस्ट लगा ही था कि हम दिल्ली के यूज टू हो चुके हैं, लेकिन हम इस वाली लेन पे चले गए, हमें उस वाली लेन पे रहना था। अब बहुत लंबा कट पड़ेगा जहाँ से ही पड़ेगा। शिट मैन,
और क्या होता है, आप जो बात बोलते हो ना वो सुन लेता है ऊपर वाला। जैसे ये हम दिल्ली मेरठ हाईवे पे चढ़ गए, यहाँ से हम निकले थे वहाँ से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस था और अभी हमको लगता है 10 किलोमीटर हम आ भी गए और 29 अभी भी है। तो बेसिकली यहाँ इस हाईवे पे कट ही कोई नहीं है 10-20 किलोमीटर तक। तो हमें देखो 10 और 10 कितना ज्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ गया। ये भगवान तो अलर्ट रहने का, इधर अपन थोड़े छोटे शहर के है ना, वहाँ ऐसे हाईवे नहीं होते। कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है, भूलेगा नहीं ना एक बार इतना लंबा चलेगा। जब तो पड़ गया मैं 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा पर, चलो 20 किलोमीटर तो कोई बात नहीं, एक बार तो 200 किलोमीटर भी मैं चला गया था गलत। 35 मिनट देखो कहा वो 20 मिनट 16 मिनट दिखा रहा था, 35 मिनट हो गया। अब गलत नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन। सो जी फाइनली पहुंच गए रास्ते पे 9 मिनट पर। अब जाम ने हालत खराब कर दी हुई है। फाइनली अपनी अमानत को लेकर पहुंच चुके हैं और छोड़ रहे हैं पाजी के पास। पाजी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो कब तक? अभी परसों से शुरू होगा काम। अच्छा, देखते 4 दिन लगते हैं 3 दिन लगते हैं। अच्छा, 2 दिन भी तो बोले थे? 2 दिन तो मुश्किल है क्योंकि डिफरेंशियल बाहर निकलेगा ना इसका। ठीक है, तो 1 दिन निकलेगा फिट होगा, फिर दूसरे दिन लगेगा, दूसरे दिन दूसरा खुलेगा, तो 3 दिन तो ऐसे ही हो गए। अच्छा, तो 4 दिन भी तो आराम करो जम्मू जाके। तो चलिए गाइस फिलहाल छोड़ दिया है, तो 2 दिन का ही है, मतलब चाहे दिन इसमें जितने मर्जी वो प्रोसेस भी मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम 2 दिन ही है, 2 दिन में मैं आ जाऊंगा वापस। तो चलिए गाड़ी छोड़ दिया, मैंने कहा अपडेट दे दें आपको। तो जी फाइनली क्या है कि आ चुके हैं कैब के अंदर और देखो ऐसे क्या है कि जब दिन में हम आते हैं तो हमें लगभग कितना आधा घंटा दिखाता है वो। खैर हमें आज तो ज्यादा टाइम लग गया, गलत रास्ता चले गए थे, बट अभी जो है लोकेशन पे तो लगभग जो है ये देखो 48 मिनट दिखा रहा है। पर ये अच्छा लग रहा है, इस गाड़ी में बैठ के सुकून सा लग रहा है। हाँ। अपनी बलैरो में बैठते तो वरना ऐसे साउंड सा आता है, ये बड़ी शांति लग रही है, सीट भी कंफर्टेबल है। लड़ाई होगी भाई, अभी लड़ते हुए जा रहे थे, दिल्ली में गर्मी ज्यादा है ना। चल तो जी इतनी जल्दी हम लोगों ने मचाई कि भाई आज घर जाना है घर जाना है। गाड़ी भी जो ऐप ने वो भी छोड़ दी जल्दी से, लेकिन आज हम घर तो गए ही नहीं। क्यों नहीं गए घर? जाने नहीं दिया। चलो कोई नहीं, तो अभी आ गए खाना खाने कहीं पे। तो चलिए जी, ये क्या चाप? तो भाई साहब चाप आ गई है, साथ में बटर की मस्त रोटी खाएंगे, अभी इसमें दाल आएगी वो भी खाएंगे। तो चलो, तो जी खाना खाने के बाद हम आ चुके हैं इंडिया गेट। बहुत बार दिल्ली, बहुत बार तो नहीं 3-4 बार ही आ गया, आज तक अभी मैंने इंडिया गेट नहीं देखा। वो देखो इंडिया गेट कैसा दिखता है, बढ़िया है। तो तिरंगा झंडा लगा हुआ है ऊपर और रौनक तो इतनी है, मतलब इतनी सारी भीड़ है। चलो पास से देख के आते हैं। तो इंडिया गेट पे पुलिस जो है वो जगह को खाली करवा रही है, ये लोगों को निकाल रहे हैं बाहर। क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग टाइम है, लेकिन ये रेडी वालों को ज्यादा निकाल रहे क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। अच्छा, वो देखो बोल रहे ना चले जाओ यहाँ से, और वो देखिए इंडिया गेट अपना बढ़िया लग रहा है। गुड वन। तो जी अभी क्या है, 2 चीजें हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि या तो रेडी वालों को हटा रहे हैं या फिर लोगों को हटा रहे हैं। जैसे अभी तो हम भी यहाँ बीच में चल रहे हैं ना, पीछे से बाइक आ रही है वहाँ से, तो अगर उन्होंने हमें हटने के लिए बोला तो इसका मतलब लोगों को भी हटा रहे हैं, है ना, हटना पड़ेगा जी। पुलिस के आगे थोड़ी कुछ बोल सकते हैं, हम नहीं हटेंगे। अरे नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे, भाई साहब चलो लेट्स सी। जा तो हम भी रहे हैं सिर्फ अकेले। अच्छा बाहर देखो, बुला लिया बाहर हमें, सही है। अच्छा बाहर निकलना, सही है। तो ये है, अच्छा क्लोजिंग टाइम है। टाइम क्या हुआ? हेलो, 11:00 परेशानी क्यों करते हैं? सही है, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है। चलो जी मैम की बात है, आप सब सुन रहे हो, पुलिस हमारी रक्षा के लिए। इंडिया गेट के साथ फोटो तो लिया ही नहीं, अरे फोटो लेना है, चलो फटाफट से ले लेंगे। चाहे जो मर्जी हो बट मजा नहीं आया बिल्कुल। पुलिस तो ऐसे लोगों को भगा रही है, मतलब जैसे पता नहीं क्या कोई क्राइम चल रहा है। 10 ही बजे हैं 11:00।